फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? गर्मियाँ आ गए हैं ना, और गर्मियाँ के मौसम के साथ साथ आ जाते हैं पसीना, उसके साथ साथ रैशेस, पिंपल, बहुत ही हेडेक के बाद है। लेकिन एक खुशी का बात भी है, गर्मियाँ का मौसम में आ जाते हैं कुल्फी, आइसक्रीम, और साथ ही साथ इस लिस्ट में और एक नाम आ गया है, जैसे कि फालूदा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कैसे घर में झटपट से बनेगा फालूदा, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी भी बनेगा। तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं घर में फालूदा। लेट्स बिगिन। फालूदा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेजिल सीड्स या फिर सब्जा सीड्स। ये ना शरीर को बहुत ही ठंडक देते हैं, बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। तो इसको भिगोने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है, फूल कर कैसे बबली बबली दिखता है। तो इसको, और हमें चाहिए फालूदा वर्मिसेली, और इसको भी उबाल के मैंने रेडी करके रख दिया है। उबालने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है ये ना, बहुत कलर के मिलता है, लेकिन मैंने तो इधर पे लाइट योलो जो मिलता है वो यूज़ कर रही हूँ। और हमें चाहिए मिल्क। मिल्क को ना बॉयल करके इसको चील कर लेना पूरा के पूरा फ्रिज में देके। तो वो मिल्क मैंने ले लिया है, रोज एसेंस, और हमें चाहिए जेली। तो चलो फालूदा बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दूध के अंदर बस एक ड्रॉप रोज एसेंस ऐसे मिला दीजिए। देख लीजिए ना, अच्छा पिंक पिंक कलर आया है ना, बहुत ही अच्छा लगता है फालूदा में, देख लीजिए। तो इसको साइड कर देते हैं, और इस साइड में ग्लास ले लेती हूँ। ग्लास के अंदर फर्स्ट में ही दे देंगे सब्जा सीड्स। देख लीजिए कितना अच्छा बबली बबली लग रहा है ना। फालूदा में सब्जा रहती है, इसलिए फालूदा ना बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। गर्मी के मौसम में फालूदा बिना पीना या फिर खाना, क्योंकि ये सॉलिड जैसा ही लगता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इतना तक मैंने भर दिया है सब्जा सीड्स से, और इसके ऊपर से अभी दे देंगे फालूदा वर्मिसेली। इसको मैंने बॉईल करके रख दिया है, ऐसे दे दीजिए। और ऊपर से अभी और थोड़ा सा बेजिल सीड्स दे दीजिए ऐसे। और अभी इसके अंदर जाएंगे जेली। इधर पे मैं मैंगो जेली यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद अनुसार जेली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फालूदा बस ऐसे कलरफुल दिखता है, और जिसका जो पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डाल दूँगी मिल्क। मिल्क डाल दीजिए। और अभी ऊपर में आपका जो आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम कुल्फी जो पसंद है वो दे दीजिए। जैसे मैं वैनिला आइसक्रीम दे रही हूँ, ऐसे आपका जो पसंद है वो दे दीजिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये आइसक्रीम देना है, आइसक्रीम कुल्फी जो भी पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये दे दीजिए। और ऊपर से ऐसे और एक जेली को प्लेस कर दीजिए ऐसे। तो ये हमारा फालूदा रेडी हो गया। देख लीजिए मेरा फालूदा अभी बनकर रेडी एंड सर्व्ड। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।